कोरोना वायरस करके जिथे सूबे विच करफ्यू लग्या होया उत्थे सरकार ने अज तो पूरे पंजाब विच सवेरे 7 तों 10 बजे तक ठेके खोलन अते होम डिलीवरी की आग्या दित्ती सी। पर जेकर गल करिए मोगा ते फरीदकोट शहर की तो इत्थे छोड़ दे बावजूद ठेके खोलन तो इनकार कर दिता गया। जी हाँ, इतों के ठेकेदारों का दोष है कि पंजाब सरकार करफ्यू दौरान बंद रहे शराब के ठेकों की फीस माफ़ी संबंधी कुछ स्पष्ट नहीं कर रही। इस तो इलावा शराब के ठेके खोलन की इजाजत सिर्फ 4 घंटे लिए दी जा रही है, जबकि फीस पूरे दिन की मंगी जा रही है। इस तो इलावा इन लोगों का कहना है कि 2020-21 के साल में लगभग 45 दिन बीत चुके हैं तो हूँ यह सीजन बीयर और देसी शराब का होंगे। सरकार ने देसी शराब बेचने की मंजूरी नहीं दी, जिस कारण ठेके बंद रखने का फैसला लिया गया। पहले तो 19-20 की जी एक्साइज असी पे की सी उदी सानू गाइडलाइन क्लीयर नहीं हैगी, क्योंकि 22 तरीक नूं जनता करफ्यू सी, 23 तरीक नूं लॉकडाउन होकर पंजाब च करफ्यू लग गया। 9 दिन जिहड़े असी 31 मार्च 2020 तक एक्साइज पे की, लाइसेंस फीस पे की, उहदी सानू क्लीयरेंस होनी चाहीदी है बई वो साडी रिफंड होगी या एडजस्टमेंट होगी। और दूजी गल आ 40-42 दिन 2020-21 दे लंघ गए, जिहदे च बीयर का सीजन और देसी शराब का सीजन आ जिहड़ा आलमोस्ट अद्धा लंघ चुका है। और ये आने वाले समय के खदशा है कि भी जोड़े विहवों के गाइडलाइनज इशू होनिया, विहव कट्ठ नहीं होना गा, विहव तो ही रिकवरी होंगी है, तो विह भी है जोड़े मंदा लगन के आसार है। सो इस करके करोना के चलद सब तो वीडी ट्रांजैक्शन जी होनी है करंसी की होनी है, ये तो वेद करोना फैलन का भी जरिया डर हैगा। सो असी सम ठेकेदारी तो पहला समाजिक तौर पर असं समझते हुए असं चाहते हैं भी सरकार ये होमवर्क करे, उस तो बाद कोई फैसला लवे, पहला सानू भी कोई रिलैक्सेशन देवे, कंपनसेशन देवे, और कोरोना भी आपके मद्देनज़र च रख के यदि गाइडलाइनस इशू करे। सर, अच्छ सरकार वालों पंजाब भर में ठेके खोलने की इजाजत दी गई सी, टाइम रखा 9 तों 1, तुसीं किस तरह का फैसला लिया फरीदकोट के शराब ठेके? असी साढ़े सारे जिले फरीदकोट के ठेके अज मतलब पंजाब के ठेके भी बंद आते, असी जिला फरीदकोट च भी ठेके बंद रखने का फैसला लिया जी। की वजह क्यों अपन बंद? उहदी वजह यह है सरकार ने सानू 4 घंटे सिर्फ खोलन की आग्या दी है, उदों बाद 1 तों लैके 6 बजे तक होम डिलीवरी की आग्या दी है, जिहदे विच सिर्फ अंग्रेजी शराब की आग्या। साडा देसी बेस्ड एरिया, साडी 80% शराब देसी विकदी है इत्थे ते 20% अंग्रेजी विकदी है। सर, फीस नूं लैके कोई इशू दस्सा जा रहा कोई? फीस असी सरकार तो यह मंग करते हैं जिन्ना चिर सानू खोलन की इजाजत है उस हिसाब ना फीस साढ़े तो ले जाए। सर, कुछ पिछले दिनों ने जो बंद रहे 1.5 महीना करीब जो ठेके बंद रहे उसको लेकर भी कोई इशू क्रिएट होया? साढ़े मतलब कि साढ़े इतने लॉकडाउन 22 तरीक का लागू होया वे जी, जेडे साढ़े मतलब कि 9 दिन पिछले भी बकाया, सानू वो पिछले 9 दिन का बकाया कोटा बेचने की भी इजाजत दी जाए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕੇ ਰੱਖੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਥੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਰ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਟਰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜਸ ਵਰਮਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਡਿੰਪੀ ਸੰਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਤਾਂ 6 ਆ ਗਏ, 1 ਵਿੱਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ।